Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very, very warm welcome to Masala Morning Special Barbecue Week, which is being brought to you from Beach Luxury Hotel. और कुछ नया कुछ डिफरेंट चाहते हो तो सीखिए और सीखिए, अपना फीडबैक दीजिए ताकि हमें और ज़ोर आए और हम आपके लिए और नई नई चीज़ें लेके आए। वेलकम करते हैं शेफ शफाकत को। हमारा सामान देख के आप समझ ही गए कि हम क्या आज बुध वाला दिन है। और सूरी हमारे साथ है, मान सलवा हमारे साथ है। तो आज सूरी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए आज हम बना रहे हैं लेबनीज बोटी और बारबेक्यू स्टिक बोटी, और हम बना रहे हैं गोला कबाब और इमली की चटनी। ठीक है, ये चार चीज़ हमारी आज की रेसिपीज़ हैं। और मान सलवा के सीख कबाब को यूज़ करके देखते हैं क्या बनाते हैं, या सीख कबाब का कटा कट करते हैं, या सीख कबाब फ्राई कीमा कर लेते हैं, सोचेंगे आखिर में। ठीक है, ओके। लेबनीज बोटी के लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए, लेग या ब्रेस्ट आप कुछ भी ले लो, 2 इंच के क्यूब्स काटने हैं आपको। मैरिनेशन करने जा रहे हैं हम कच्चा पपीता 1 टेबल स्पून। प्लीज़ एक्सट्रीमली सॉरी, आपको पता है आउटडोर शूट करने में ऐसा होता है, मक्खियाँ तंग करती हैं, बट चूंकि वी वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड ब्रिंग समथिंग डिफरेंट टू यू, यू हैव टू बेयर दिस। ओके, ये हो गया कच्चा पपीता या पक्का पपीता, हमने पक्का पपीता डाला है 1 टेबल स्पून। इसके लिए आपको 1 टेबल स्पून हरा धनिया चाहिए, 1 टेबल स्पून पुदीना चाहिए और 2 हरी मिर्चें चाहिए। ठीक है, ये सबको पीस के आप इसमें 2 टेबल स्पून ये डाल दीजिए। ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही 2 टेबल स्पून, क्रीम 2 टेबल स्पून, ठीक है, ऑयल इटालिया का हेल्दी कुकिंग ऑयल पामेस 2 से 3 टेबल स्पून या 1/4 कप, चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, ओके, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन जूस 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1/4 टीस्पून लिखा हुआ है बट आई एम एडिंग 1, और इसमें जाएगा चिकन पाउडर 1 टीस्पून। इसको मैं पास कर रही हूँ शफाकत को ताकि इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे, सीखों पे पुरेंगे और बारबेक्यू करेंगे। जब तक इसको शफाकत मिक्स कर रहे हैं आपको मैं दे रही हूँ रिकैप। लेबनीज बोटी, इसके लिए आपको 1/2 किलो लेग या ब्रेस्ट के क्यूब्स चाहिए, 2-2 इंच के पीसेस में काट लीजिए। मैरिनेट करेंगे आप कच्चा या पका पपीता 1 टेबल स्पून ही, हरा धनिया पीस के 1 टेबल स्पून, पुदीना पिसावा 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 2 छोटी तेज़ वाली 2 अदद। तीनों चीज़ों को साथ पीस के 2 टेबल स्पून जितना बन जाएगा वो आप उसमें डाल दीजिए। दही 2 टेबल स्पून, क्रीम टेट्रा पैक की 2 टेबल स्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल, चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून लेवल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें डाली, खूब अच्छी तरह से मिक्स किया और सीखों पे लगाया, और हमारा कोयला दहक रहा है, फर्स्ट क्लास तरीके से तैयार है। आप देखें कैसा लगा रहे हैं शेफ शफाकत।
सिंपल, ठीक है? सिंपल। इसके बाद हम गोला कबाब को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करके उसको मशीन से निकालना है, ठीक है? फिर आप देखिएगा, बेहतर होता है या तो आप गोश्त मैरिनेट कर लो या तो आप कीमा कर लो, आपकी मर्जी। आई प्रेफर डूइंग कीमा, लेकिन जो प्रोफेशनल शेफ्स होते हैं वो गोश्त को सारी चीज़ें लगा के मैरिनेट करते हैं और फिर उससे कीमा बनाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हूं। तरह बिल्कुल बहुत अच्छी तरह, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जूसी आप देखो, देखा कोयले कितने अच्छे रेडी हैं, बिल्कुल लाल। इसी के साथ जी, ये जब तक बारबेक्यू कर रहे हैं हम जल्दी से चलते हैं, छोटा सा बारबेक्यू ब्रेक लेके आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक जी टू मसाला मॉर्निंग्स स्पेशल बारबेक्यू वीक। आ गए हैं हम आज की दूसरी रेसिपी, गोला कबाब। अच्छा अब एक बात सुनिए, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है? जो मेरा तरीका है वो लिखा हुआ है, ठीक है? मैं इस तरह बनाती हूँ, लेकिन जो बारबेक्यू वाले, जो बाहर आप स्ट्रीट फूड वगैरह पे जाके जो 5-star होटल में 4-star होटल में जो गोला कबाब खाते हो, वो शेफ़ शफाकत सेम रेसिपी है, लेकिन ये गोश्त से बना रहे हैं, मैं कीमे से बनाती हूँ, ठीक है? ये गोश्त को मैरिनेट करेंगे और उसको पीसेंगे। इन्होंने क्या किया, मैं कीमा लेती हूँ आधा किलो, उसको डबल मशीन से निकलवा के उसको धोती नहीं है, ठीक है? इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोटी ली है बीफ की आधा किलो, और मेरी रेसिपी में 2 tablespoon घी है। ये घी नहीं डालेंगे, ये चर्बी डाल। 100 ग्राम कितनी चर्बी? 100 ग्राम 100 ग्राम जी, 1 kg पे 100 ग्राम और 1 kg पे 200 ग्राम। हाफ के जी बीफ बोटी है तो इस पर 100 ग्राम चर्बी जाएगी, और अगर 1 किलो बीफ बोटी होगी तो उस पर 200 ग्राम और फेट और गुर्दे की चर्बी, ठीक है जी। अब इसमें हम बाकी चीज़ें डालेंगे जी। इसमें मैं कीमे में डालती हूँ 2 tablespoon हरा धनिया, 4 हरी मिर्चें चॉप्ड और अदरक लहसुन। तो ये इस तरह डालेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन साबुत, ठीक है? ये सब चला गया इसमें। अब इसमें ये डालेंगे लाल प्याज 2 tablespoon, चली गई। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन चला गया, हरी मिर्चें चली गई 4-6, कोरिएंडर लीव्स चला गया 2-3 tablespoon, लाल प्याज चली गई। अब जो गरम मसाला हमने जो बनाया है फर्स्ट डे, ठीक है, बारबेक्यू मसाला, वो जा रहा है इसमें 1 tablespoon, ठीक है। चिली पाउडर 1.5 teaspoon, नमक 1.5 teaspoon। अच्छा एक मज़े की चीज़ जो आप आज शेफ शफाकत से सीखोगे, इसमें लिखा हुआ है मेरी रेसिपी में 1 चाय का चम्मच कच्चा पपीता, ठीक है? शेफ शफाकत कच्चा पपीता नहीं डाल रहे, और वो भी नहीं डाल रहे, कचरी पाउडर भी नहीं डाल रहे, क्या डालेंगे, ये किससे गलावट करेंगे? बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, ठीक है, 1/2 teaspoon ये रखा हुआ है। कितना डालूं? ये 1/2 teaspoon डालेगा। हाँ 1/2 teaspoon 1/2 teaspoon बस बस। और ये ज़बरदस्त ही, देखिए कच्चा प्याज भी हम ऐड करेंगे, ठीक है? अच्छा, और इसमें जाएगी कच्ची प्याज आधी, ठीक है?
और इसको हम पिसवाने भेज देंगे, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये आपके सामने कीमे की फॉर्म में होगा। मैं एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ, इन्होंने आप देखें मेरी रेसिपी बिल्कुल सही है, लेकिन वो बोटी से नहीं बनी हुई है, उसमें मैंने कीमा यूज़ किया है और घी यूज़ किया है। इन्होंने बोटी दी है बीफ की आधा किलो, उसमें 100 ग्राम चर्बी डाली है घी के बजाय, ठीक है। चिली पाउडर 1.5 चाय का चम्मच गया, कच्चा पपीते के बजाय आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा चला गया, गरम मसाला प्रिपेयर्ड बारबेक्यू का 1 टेबलस्पून, ब्राउन अनियन 2 टेबलस्पून, कच्ची प्याज आधी, उसके बाद में अदरक लहसुन भी साबुत गया है इसमें, ठीक है, 6-8 जवे लहसुन के थे और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था, हरा धनिया 2 टेबलस्पून और हरी मिर्चें 6, ये देखें साबुत मोटी वाली बारीक वाली, देखें आप इसको मिक्स करके अब ये इसको कीमे की मशीन से दो दफ़ा निकालना है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको प्रोफेशनल टच का गोला कबाब बनाना है तो इस तरह बनाइए चर्बी के साथ, अगर आपको मेरे तरीके का बनाना है वो भी परफेक्ट बनता है, आप उसे बना लीजिए, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और जाएगी, क्या जाएगी, सूरी हमारे साथ है, इसमें हम डालेंगे, रेस्टोरेंट स्टाइल का मज़ा चाहते हैं आप, इसमें आप शामिल करें सूरी का 1 टेबलस्पून सांभर उड़ीक, मिक्स करो बेटा, बेहतरीन। इसको आपकी मेकी मशीन से मिंसर से चॉपर से नहीं निकलेगा, चॉपर में, या तो आप एक काम कर सकते हो, देखिए मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, जब आप गोश्त लेने कसाई के पास जाओगे तो ये सारे मसाले एक डब्बे में डाल के ले जाओ, अदरक लहसुन हरी मिर्च हरा धनिया ये सारे, लाल प्याज कच्ची प्याज जो कुछ मैंने डाला है, मीठा सोडा सब कुछ एक साथ ले जाओ। गोश्त वाले से आप गोश्त और चर्बी खरीदो और उसमें आप ये सारी चीज़ें डालो और उस गोश्त वाले को बोलो आपको 2 दफ़ा मशीन से निकाल दें, बन गया कीमा, ठीक है जी। शफाकत अब क्या करेंगे, अब तो हम इसको हम पिसवाएंगे, ये पिसवाने के लिए जा रहे हैं और तब तक जो है ना हम जो अच्छा, अपनी बोटी थी, जब तक हम इसका लेबनीज बोटी प्लेटर तैयार कर रहे हैं, और ये हमने बनाई है लेबनीज बोटी, मुझे आपकी चॉपिंग कटिंग बहुत अच्छी लगी है, एक तो आपकी छुरी इतनी जबरदस्त है ना, है हमारी कीवी की छुरी है माशाल्लाह, जबरदस्त छुरी है, यही तो असल बात है, कटिंग के लिए आप जो है कीवी की छुरी इस्तेमाल करें, हाँ। बहुत अच्छी आपने कहाँ से लिए छुरी, ये दरअसल होटल नहीं हमें दिए, अच्छा। मार्केट लेकिन लोकल है या बाहर की है, इम्पोर्टेंट छुरी है, इम्पोर्टेड है। कीवी की, कीवी की प्लेटर हो गया रेडी, ये भी 4 लोगों के लिए, ठीक है। जितना आपने बारबेक्यू सीख रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स पे, इसकी जो सारी सर्विंग्स है फ्रॉम डे 1, इट्स फॉर 4 to 5, ज़्यादातर 4 ही खाएंगे, लेकिन बारबेक्यू आधा किलो चिकन इज इनफ फॉर 4, ठीक है जी। तो ये हमारी पहली रेसिपी लेबनीज बोटी की हो गई है रेडी, और हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक की तरफ जाने से पहले मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट अशफाकत का फेवरेट इंग्रेडिएंट जा रहा है इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए, और हम ब्रेक में कीमा निकलवाते हैं जो हमने मैरिनेट किया है बोटी को, कीमा निकलवा के फिर हम आते हैं आपके पास, मिलते हैं आपसे ब्रेक।
एंड आप वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। और यहाँ पे देखें हमारा कीमा दो दफ़ा मशीन से निकाल के आ गया है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा, चर्बी की वजह से कबाब बड़े जूसी होते हैं। ठीक है, अब असल मरहला कबाब को सीखों पे लगाने का, गौर से देखिए। अच्छा, ये भी आप इसी पे लगाएंगे? इसी पे भी लगा सकते हैं आप, दूसरे में भी लगा सकते हैं। गोला कबाब के लिए अगर यही इस्तेमाल करेंगे ना, हाँ, तो अच्छा रहेगा। ओके, फ्लैट स्क्वायर फॉर गोला कबाब। पानी लगाया आपने? जी जी, पानी लगाया। हम गोले बना लेंगे छोटे छोटे। पहले आप गोल बना लीजिए कोफ्ते की तरह। अच्छा शफाकत, बताइए कि बहुत सी दफ़ा मेरे भी कबाब गिरते क्यों हैं? तो वही जो आप, मैंने आपको मैरिनेशन बताई है, हाँ, तो इस हिसाब से आप करेंगे नहीं तो कबाब कभी भी नहीं गिरेंगे। और अच्छे रिजल्ट के लिए आप सबसे पहले क्या करें, जैसे वो मैंने बताया था ना, अपना गोश्त और फैट जब डाल दिया आपने काट के, तो उसको आप जो है ना बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा है, हाँ, ये लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दें और ऐसे छलने टाइप की किसी चीज़ में डाल दें, ताकि उसका छलना छोटा सा ले लें, छलनी तो उसमें उसका पानी भी निकल जाएगा। और 10 से 15 मिनट जो है उसको छोड़ दें, और उसके बाद उसकी मैरिनेशन करें। और कच्चा प्याज लाजमी ऐड करें, और उसके बाद ब्राउन ऑनियन तो हमने ऐड किए ही किए। और जूसी रखने के लिए थोड़ी आप जो है ना स्लाइस में ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो जूसी रहेगा। अगर आपको थोड़े से और कबाब को सॉफ्ट और जूसी करना है, तो एक डबल रोटी की स्लाइस भी मिला दें पीसते वक्त। और दूसरा वही गिरने की वजह यही है कि हम सोडा इस्तेमाल नहीं करते, जैसे अक्सर पपीता इस्तेमाल कर लेते हैं, हाँ, हाँ, तो पपीते की वजह से गिर जाते हैं। पपीते की वजह से कबाब गिरते हैं, पपीता नहीं इस्तेमाल करें। ठीक है, ये है कि जो धागा कबाब होता है उसमें आप पपीता, तो धागा बांधते हैं, उसमें आप पपीता यूज़ कर सकते हैं। बाकी बीफ के और किसी कबाब में जो है, देखें कितना अच्छा इन्होंने गोल गोल लगाया, फिर ये देखें हाथ से निशान, डिजाइन आ गए, लवली। ये देखें, ठीक है, माशाल्लाह से। अब देखते हैं कि शफाकत के गोला कबाब गिरते हैं या नहीं गिरते हैं। अल्लाह नहीं करे, लेकिन चेक करते हैं ना आज आप। चेक करते हैं। और दूसरा, इसके लिए गोश्त भी जो है ना फ्रोजन होना लाजमी है। हाँ, ये चीज़ भी, कोई भी कबाब हो, बीफ हो, चिकन हो, और वो गोला कबाब हो, सीख कबाब हो, रेडी फ्रीजर का रखा हुआ गोश्त चाहिए। फ्रीजर का ताज़ा गोश्त का जो है ना कबाब, उसका भी गिर जाता है। एक और टिप, ये तो मुझे भी नहीं पता था, लिख लीजिए बड़े बड़े बोल्ड वर्ड्स में, गोला कबाब, सीख कबाब, रेशमी कबाब, धागा कबाब, कुछ भी बनाएं, गोश्त आपका फ्रोजन होना चाहिए। और इसको हम जो है ना थोड़ी तेज आग पे सेकेंगे। अच्छा, इसको तेज पे करेंगे, इसको तेज पे करेंगे। अलग अलग लगा रहे हैं इसको, ठीक है, गोल कोफ्ते की शेप देखिए, हाँ। और फिर उंगली की तरह हाथ से उंगली के साथ दबाएंगे, और पानी से हाथ लगा के, हाँ, पानी के साथ हाथ गीला करके, तो ये लगा, तो जॉइंट हो गए। जॉइंट हो गए। आई एम थरली एंजॉयिंग दिस शो, जो कि आप तक हम लेके आ रहे हैं बीच लग्जरी होटल कराची से। और अगर मेरा कैमरा एक सेकंड के लिए घूम सकता है, तो आप घुमा के दिखा दें, ताकि आपको एक व्यू पता चल जाए कि कितना खूबसूरत व्यू है हमारी होटल का, बीच लग्जरी का, पीछे हमारा इतना ब्यूटीफुल व्यू है। और यहाँ मेरे सामने वाली साइड पे होटल है, तो बहुत ही हसीन। और वेदर, आई हैव बीन सो लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि कराची में गर्मी नहीं है। वी आर इन्जॉइंग, मैं भी सालिक से यही कह रही थी, ऐसा लग रहा है हम पिकनिक करने आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
क्या कबाब सीख रहे हैं भाई, जबरदस्त। हालांकि हमने बड़े गोले लिए फिर भी कबाब गिरा नहीं है, क्योंकि इसकी मैरिनेशन हमने इस तरह करी है। अच्छा, मुझे ऐसा डाउट होता है शफाकत कि आपने सोडा डाला है उससे भी नहीं गिरे। सोडा दरअसल ना ये इसी के लिए होता है कि पानी उसका खुश कर रहा होता है और बाइंडिंग के लिए इसको सोडे इस्तेमाल करते हैं, लाजमी है क्योंकि हमें सोडा बाइंडिंग के लिए डालते हैं और सॉफ्टनेस के लिए। जैसे हमने प्याज डाल दिया, कच्चा प्याज, और उसके साथ जो है ब्रेड डाल दी, तो ये सॉफ्टनेस में आ जाते हैं। ओके, ब्रेड डाल दीजिए एक स्लाइस आधा किलो बोटी में, उससे और सॉफ्टनेस और कच्चा प्याज जो है ना ये भी सॉफ्टनेस। प्याज डालेंगे सॉफ्टनेस के लिए और बाइंडिंग के लिए गया है इसमें मीठा सोडा, क्योंकि गल तो आपका कबाब वैसे भी जाएगा दो तीन बार मशीन से, जब वो निकलेगा तो वो बिल्कुल यानी कि कीमा बिल्कुल चॉप हो जाता है बिल्कुल, तो उसके लिए जी जी। और कितने अच्छे एक यूनिफॉर्म कलर आ गया इसमें, एक्सेलेंट। इस पर ब्रश नहीं करेंगे तेल? नहीं, इस पर नहीं करेंगे। अच्छा, बिकॉज चर्बी है इसमें। इसके पास फिट ऑलरेडी मौजूद है। लेबनीज बोटी हो गई हमारी, गोला कबाब हो गए हमारे, और हमने गोला कबाब में यूज़ किया है सूरी कंपनी का सांबल उलीक। ठीक है, अब हम थर्ड रेसिपी कौन सी करेंगे शफाकत? थर्ड रेसिपी हमारी है स्टिक बोटी, स्टिक बोटी, चिकन स्टिक बोटी करेंगे। जब तक उसको मैरिनेशन करेंगे और इसको सीखों पे लगाएंगे, मैं आपको इमली की चटनी का इंग्रेडिएंट समझा दूँगी। ठीक है शफाकत, आपने बनाई है इमली की चटनी? जी जी, वो मैंने इंग्रेडिएंट्स तैयार की हुए। अच्छा, आपने की है? जी जी बिल्कुल की है। अब ये प्लेटर यहाँ तैयार हो रहा है, प्याज चॉप, ये देखें हमारा प्लेटर तैयार हो रहा है। सलाद का पत्ता रखा, उस पर प्याज टमाटर चॉप, ये जितना भी बारबेक्यू आइटम है ये सब सर्विंग होगी इन चीज़ों के साथ, मस्ट। प्याज टमाटर खीरा धनिया पुदीना सलाद का पत्ता नींबू, मज़े का भी लगता है ये सारी चीज़ों के साथ खाना। ये हसीन कर देते हैं ये धनिया डाल के, ये देखें वाओ अमेजिंग, वेल डन शफाकत, माशाल्लाह। एक एक गोला साथ निकाल रहे हैं। ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है यहाँ पे, तो हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए बारबेक्यू स्पेशल वीक ओनली ऑन मसाला मॉर्निंग्स। नाउ वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे हमारे बेहतरीन से गोला कबाब और लेबनीज बोटी रेडी हो चुकी है, और तीसरी रेसिपी पे हम आ रहे हैं बारबेक्यू स्टिक बोटी। इसके लिए आपको आधा किलो चिकन चाहिए, जिसके आपने कराए हैं एक एक दो 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 इंच के पीसेस, सीना है ये, ब्रेस्ट पीसेस है ये रहे। इसमें हम डालेंगे बारबेक्यू मसाला, ये जो हमारा बना हुआ है 1 टेबल स्पून हीट। ठीक है, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक 1.5 टीस्पून लेवल्ड, ये चला गया। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टीस्पून हीट, बिल्कुल भर के डालना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पक्का पपीता
1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली पाउडर 1/2 टेबलस्पून या 1 टीस्पून, ठीक है। फिर जाएगा वाइट पेपर 1/4 टीस्पून, स्वीट चिली सॉस सूरी की 1/4 टीस्पून से 1/2 टीस्पून, सिराचा सॉस 2 टेबलस्पून, बेहतरीन सूरी की प्रोडक्ट्स। अगर आप असली बारबेक्यू का जायका रेस्टोरेंट स्टाइल का चाहते हैं तो आपने ये यूज़ करना है। सांबल उलीक 1 टेबलस्पून, ठीक है, ये चला गया। फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 2-3 टेबलस्पून, और इसमें जाएगा ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। अब इसको शफाकत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको सीखों पे चढ़ाएंगे, लेकिन इसके दरमियान में आपको लगाना है प्याज और शिमला मिर्च, ठीक है, बिकॉज ये स्टिक बोटी है, समथिंग यू कैन से बहन भाई ऑफ शाश लेक, राइट। चिकन के 2 पीस, एक एक पीस सब्जी का, फिर 2 पीस चिकन, फिर 1 प्याज 1 शिमला, फिर 2 पीस चिकन, इस तरह से। इतने बड़े बड़े डालेंगे थोड़ी, हमारे पास स्कीवर जो है ना वो थोड़े बड़े वाले हैं, तो इस वजह से हमने जो है ना वेजी की कटिंग थोड़ी बड़ी करी है। सही, स्कीवर हमारे पास थोड़े बड़े हैं, ठीक है बेटा जी। बाकी छोटे स्कीवर के साथ जैसे बोटी के क्यूब्स हैं आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह अब आपकी मर्जी है, छोटा बड़ा योर चॉइस। रिकैप कर रही हूँ, बारबेक्यू स्टिक रोटी का, चिकन 1/2 kg कट इनटू 2 इंचेस क्यूब्स, मैरिनेशन है इसका, प्रिपेयर्ड बारबेक्यू मसाला 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1.5 टीस्पून लेवल, जिंजर गार्लिक 1 टीस्पून हीप, चिली पाउडर 1 टीस्पून हीप, पक्का पपीता 1 टेबलस्पून हीप, कच्चा भी डाल सकते हैं, वाइट पेपर 1/4 टीस्पून, सूरी की स्वीट चिली सॉस 1 टीस्पून, सिराचा सॉस सूरी की 2 टेबलस्पून, सांबल उलीक सूरी का 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप 3-4 टेबलस्पून। ये सब कुछ डाल दिया, मैरिनेट किया, 2-2 बोटियाँ लगाई, बीच में शिमला और प्याज लगाई, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग, और फिर बस सीखों पे लगाया और आपको इसको बारबेक्यू करना। ये तो हमारी आज की 3 रेसिपीज थी। आज की जो आप लोगों को बोनस रेसिपी हम सिखाएंगे वो हम मॉनसेल्वा, आज आपको पता ही है बुध वाला दिन है, मॉनसेल्वा हमारे साथ है, तो हम उसका सीख कबाब का पैकेट खोलते हैं और शफाकत को कहते हैं कि आप बनाइए इससे कटाकट, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ प्याज टमाटर हरा धनिया हरी मिर्चों को सॉटे करेंगे, और यहाँ पे जो मसाले रखे हुए हैं लाल मिर्ची काली मिर्ची
नमक ये सब डाल के और उसका हम कटाकट करेंगे। मज़े का आपका सीख कबाब कटाकट रेडी हो जाएगा। थोड़े से सूरी की सीजनिंग्स डाल देंगे ताकि आपको खूब मज़ा आ जाए। दो दो बोटी फिर एक एक सब्जी का पीस। बेहतरीन ब्रेक आ चुकी है जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए बारबेक्यू स्पेशल वीक ओनली ऑन मसाला मानस। वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स बारबेक्यू वीक स्पेशल। और ये देखें मैंने स्टिक बोटी, सिर्फ कलर देखें रियली शफाकत जी जी, बहुत अच्छा कलर, बिल्कुल। आप मुझे क्यों कह रहे हैं अच्छा है यार, मेहनत तो आप कर रहे हो। नहीं रेसिपी आप है, रेसिपी आप तो आप असल चीज उसको सेकना है, सेकना है। इतनी खूबसूरती से आप इसको फिनिश कर रहे हो। फिनिश कर रहा हूँ वो भी है लेकिन मेरीनेशन में भी है। अगर मेरीनेशन अच्छी होगी जैसे आपकी रेसिपी है तो पकने के बाद लुकिंग भी उसकी अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है चिकन सीख कबाब मॉन्सलवा का। मॉन्सलवा इज़ अ अमेजिंग ब्रांड फॉर रेडीमेड स्टफ। आप इनका जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं बेहतरीन है। और आप देख रहे हैं कि इसको हम फ्यूजन करके आपको इससे बहुत सारी रेसिपी सिखा चुके हैं। तो आज चूँकि हमारा बारबेक्यू हो रहा है तो हमने इधर बारबेक्यू के ही उस पर चूल्हे पे हमने तवा रखवा दिया है और हम इसका बनाते हैं कटाकट। ठीक है बेटा इसको खोलो। अच्छा थोड़ा सा घी लेंगे तवे पे, घी या बटर या ऑयल पहले ये सर्विंग कर लेंगे। आप उसमें प्याज और वो डालेंगे ना चॉप जी, पहले ये प्लेट लगा लेते हैं। अच्छा ये प्यारे बिल्कुल। ओके 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 डन। ये हमारा जल रहा है, अभी तो नहीं जल रहा है लेकिन जल ना जाए। अमेजिंग है ना, the appetizing colors are so beautiful. Look at this color, look at this, amazing. Kya color, shandar color nikal ke aaya hai. Aap Allah Taala ka kitna shukr ada karo kam hai ki Allah Taala ne humko itni nemat di, hum kha sakte hain, hum safe hain, hum healthy hain. Alhamdulillah, alhamdulillah. ये देखें, Isn't it yummy? Again, इसकी सर्विंग चार लोगों की है। आधा किलो चिकन हो, आधा किलो बीफ हो, आधा किलो बोटी हो, कुछ भी हो, कीमा हो, इट्स फॉर फोर persons. जबरदस्त। मैं जब भी हरा धनिया यूज करूंगी आपको याद करूंगी। बिल्कुल याद करूंगा। अब आप आधी प्याज लेके इसको चॉप कर लीजिए। आपका कभी हाथ कटा है? पहले शुरू शुरू में कटा था। कटा अभी तो शुरू शुरू में, अभी तो नहीं, इन दिनों तो नहीं कटा।
हरी मिर्चें, आधी प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें दो ले लें, तीन ले लें, जितनी आपको तेजी चाहिए। ऑयल, बटर या घी, एनीथिंग यू लाइक। बटर इस्तेमाल कर रहे हैं। बटर, ओके। जी जी, बटर। इसमें आप ये डालेंगे चॉप्ड प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें। ये डाल के थोड़ा सा स्टेयर फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, ब्लैक पेपर, गरम मसाला पाउडर और फिर पूरा पैकेट जाएगा मानसलवा के सीख कबाब का। उसको खूब कटाकट करेंगे, थोड़ी सी सूरी की सॉसेस डाल के उसको और शानदार करेंगे। जी ये देखें, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, पाउडर, सॉल्ट बहुत थोड़ा सा बिकॉज सी कबाब में नमक है, ब्लैक पेपर 1/2 teaspoon, गरम मसाला 1/2 teaspoon, ठीक है। इटालिया का ब्लैक पेपर डाला है, सूजी की जा रही है इसमें सिराचा सॉस और जिस तरह हरा धनिया में पसंद है मुझे सूजी की स्वीट चिली सॉस पसंद है, थोड़ा सा बस बेटा सीख कबाब ले आओ। 2 tablespoon सूजी की स्वीट चिली सॉस पूरे डाल दो बेटा, पूरे डाल के उसको अच्छी तरह से कटक कर। 1 packet सूजी मानसलवा के सीख कबाब और अब इसका खूब टकाटक करेंगे, आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्चें डालेंगे और आपको पेश करेंगे। तो जी वक्त आ चुका है इधर एक ब्रेक का, तो हम जाते हैं लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे इंशाल्लाह। ये देखें थोड़ा सा पानी जा रहा है 1/2 cup, ताकि आपका कटाकट जूसी हो, ड्राई ना हो, और शफाकत इसको खूब अच्छी तरह से कटाकट कर लें। इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आएंगे, ये आपके सामने रेडी होगा। मिलते हैं आपसे। जी जनाब, हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दिए शफाकत ने और बस इसको मिक्स करके और डिश आउट करेंगे, ठीक है। आप चाहें पराठे के साथ सर्व करें, चाहे नान के साथ सर्व करें, मानसलवा के पराठे के साथ। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गई हूँ चटनी की तरफ। यहाँ इमली की चटनी बनाने के लिए आपको इमली का पल्प चाहिए। मैंने सूरी का इमली का जो पल्प होता है वो मैंने 4 tablespoon भर के लिए थे, गाढ़ा होता है, और उसमें मैंने पानी शामिल कर दिया 1/2 cup, उसको पतला कर दिया, ठीक है। अब मैं इसमें एक पेस्ट डाल रही हूँ, धनिया आधी गड्डी, पुदीना 8-10 पत्ते 2 tablespoon, और इसमें लहसुन है 1 teaspoon और हरी मिर्चें 4। ये पूरा पेस्ट, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लहसुन, चीनी 1 tablespoon और भुनावा जीरा, ये रखा, ठीक है। भुनावा जीरा इसमें जाएगा 1/2 teaspoon। ठीक है, ये हमारी इमली की चटनी रेडी है टू सर्व विद ऑल द यमी बारबेक्यू डिशेस। चीनी डालने पिसी भी तो ज़्यादा बेहतर है, मेरे पास साबुत थी तो थोड़ा हिलाना पड़ेगा,
खटाखट देके तो जबरदस्त हो गया। ये हमारी इमली की चटनी रेडी है। ठीक है जी, वक्त आ चुका है रिकैप ब्रेक का। आप चलिए देखिए रिकैप, इसको हम प्याले में निकालते हैं अपने सर्विंग में और आपको पेश करेंगे। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। लेबनीज बोटी अच्छा बोनलेस चिकन 1 किलो, पिसा कच्चा पपीता 1 खाने का चम्मच, पिसा हरा धनिया 1 खाने का चम्मच, पिसा पुदीना 1 खाने का चम्मच, पिसी हरी मिर्चें 2 अदद, व्हिप्ड क्रीम 2 खाने के चम्मच, क्रीम 2 खाने के चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया 1/2 चाय का चम्मच, पिसा गर्म मसाला 1/2 चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1/4 चाय का चम्मच। तरकीब, बोनलेस चिकन में तमाम अज्जा मिक्स करके 2 घंटे रख दें। अब इन्हें स्क्वेयर्स में लगाएं और बारबेक्यू करके सर्व करें। गोला कबाब अच्छा गाय का कीमा 1/2 किलो, नमक 1/2 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, घी 2 खाने के चम्मच, कच्चा पपीता 1 चाय का चम्मच, गर्म मसाला 1 खाने का चम्मच, पिसी प्याज 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, कटा हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद। पराठी सर्विंग के लिए। तरकीब, गाय के कीमे में तमाम अज्जा मिक्स करें और 1 घंटा रख दें। अब इन्हें स्क्वेयर्स में लगाएं और बारबेक्यू करके पराठों के साथ पेश करें। बारबेक्यू स्टिक बोटी अच्छा चिकन ब्रेस्ट 1/2 किलो, बारबेक्यू मसाला 1 खाने का चम्मच, नमक 1/2 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पपीता 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, स्वीट चिली सॉस 1/4 चाय का चम्मच, तराशा सॉस 2 खाने के चम्मच, सिम्बाल उलिक 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच, शिमला मिर्च 2 अदद, प्याज 2 अदद। तरकीब, एक बोल में तमाम अज्जा और चिकन ब्रेस्ट डालकर 2 घंटे मैरिनेट कर लें। अब इन्हें स्क्वेयर्स में लगाएं, फिर इनमें शिमला मिर्च लगाएं और फिर चिकन लगा दें। आखिर में इन्हें ग्रिल करके सर्व करें। इमली की चटनी अच्छा हरा धनिया 1/2 कट्ठी, पुदीना 2 खाने के चम्मच, कुटा लहसुन 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा जीरा 1/2 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद, इमली का गूदा 3 खाने के चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, नमक 1/4 चाय का चम्मच, पानी 1/2 कप। तरकीब, ब्लेंडर में तमाम अज्जा ब्लेंड करके सर्व कर दें। लेबनीज बोटी अच्छा बोनलेस चिकन 1 किलो, पिसा कच्चा पपीता 1 खाने का चम्मच, पिसा हरा धनिया 1 खाने का चम्मच, पिसा पुदीना 1 खाने का चम्मच, पिसी हरी मिर्चें 2 अदद, व्हिप्ड क्रीम 2 खाने के चम्मच, क्रीम 2 खाने के चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया 1/2 चाय का चम्मच, पिसा गर्म मसाला 1/2 चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1/4 चाय का चम्मच। तरकीब, बोनलेस चिकन में तमाम अज्जा मिक्स करके 2 घंटे रख दें। अब इन्हें स्क्वेयर्स में लगाएं और बारबेक्यू करके सर्व करें। गोला कबाब अच्छा गाय का कीमा 1/2 किलो, नमक 1/2 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, घी 2 खाने के चम्मच, कच्चा पपीता 1 चाय का चम्मच, गर्म मसाला 1 खाने का चम्मच, पिसी प्याज 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, कटा हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद। पराठी सर्विंग के लिए। तरकीब, गाय के कीमे में तमाम अज्जा मिक्स करें और 1 घंटा रख दें। अब इन्हें स्क्वेयर्स में लगाएं और बारबेक्यू करके पराठों के साथ पेश करें। बारबेक्यू स्टिक बोटी अच्छा चिकन ब्रेस्ट 1/2 किलो, बारबेक्यू मसाला 1 खाने का चम्मच, नमक 1/2 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पपीता 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, स्वीट चिली सॉस 1/4 चाय का चम्मच, तराशा सॉस 2 खाने के चम्मच, सिम्बाल उलिक 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच, शिमला मिर्च 2 अदद, प्याज 2 अदद। तरकीब, एक बोल में तमाम अज्जा और चिकन ब्रेस्ट डालकर 2 घंटे मैरिनेट कर लें। अब इन्हें स्क्वेयर्स में लगाएं, फिर इनमें शिमला मिर्च लगाएं और फिर चिकन लगा दें। आखिर में इन्हें ग्रिल करके सर्व करें। इमली की चटनी अच्छा हरा धनिया 1/2 कट्ठी, पुदीना 2 खाने के चम्मच, कुटा लहसुन 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा जीरा 1/2 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद, इमली का गूदा 3 खाने के चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, नमक 1/4 चाय का चम्मच, पानी 1/2 कप। तरकीब, ब्लेंडर में तमाम अज्जा ब्लेंड करके सर्व कर दें। जी जनाब, हर चीज़ रेडी हो चुकी है। इसी के साथ वक्त भी आ चुका है आपसे इजाज़त लेने का। इंशाल्लाह आपसे एक और
फ्रेश एपिसोड में मुलाकात करेंगे कल। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। बीच लग्जरी होटल की पूरी मैनेजमेंट का, इनके शेफ्स का, शेफ रिजवान का, शेफ मुमताज का, शेफ शफाकत का, जितना यहाँ पे स्टाफ है, दे आर सो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच बीच लग्जरी। और इंशाल्लाह और कुछ नया प्लान करेंगे, आपकी होटल में आके करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वंस अगेन आप लोग सब अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।